अब बात करेंगे शाहरुख खान की, जिनका वक्त इस समय कुछ खास नहीं चल रहा है। शाहरुख खान ने अपने फैंस को अब एक और बार जोर का झटका दे दिया है। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर शायद उनके लाखों करोड़ों फैंस का दिल टूट जाए। तो आखिर ऐसा क्या कहा है शाहरुख ने जिसे सुनकर टूट जाएगा उनके चाहने वालों का ही दिल, आइए जानते हैं। शाहरुख ने दिया जोर का झटका, फिल्मों से दूरी बनाएंगे किंग खान। सही वक्त का कर रहे हैं इंतजार, क्या एक्टिंग छोड़ रहे हैं बादशाह। जी हाँ, फिल्म जीरो के फ्लॉप होने को पूरे 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म का ऐलान नहीं किया है। शाहरुख खान के फैंस उनकी फिल्म देखने के लिए इंतजार पर इंतजार किए जा रहे हैं। खबरें तो कई तरह की आ रही हैं, लेकिन अब तक उनके किसी भी फिल्मी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं हुई है। हाल ही में शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जून में अपने आने वाली फिल्म की घोषणा कर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि शाहरुख खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में साफ कहा है कि फिलहाल वो कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, वो फिल्मों से दूरी बना रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अपने लाखों करोड़ों फैंस का दिल तोड़ते हुए कहा कि वो कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, उन्हें सही वक्त का इंतजार है। शाहरुख ने कहा कि मैंने यही कहा था कि मैं जून में अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब इसे जून में नहीं करूँगा। मैं इसके बारे में तभी घोषणा करूँगा जब मुझे दिल से ये लगेगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा है। कई लोग मुझे कहानी सुना रहे हैं, मैंने करीब 15 से 20 स्टोरी सुन ली है, इनमें से 2-3 मुझे पसंद भी है, लेकिन मैंने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है कि मैं कौन सी फिल्म करूंगा, क्योंकि जब मैं फैसला ले लूंगा तो मुझे फिल्म पर तुरंत काम करना होगा, मैं पूरी तरह से इसमें डूब जाऊंगा। मतलब साफ है कि इस साल आपको फिल्मी पर्दे पर शायद ही शाहरुख खान की फिल्म देखने को मिले, क्योंकि बीते साल शाहरुख खान को जीरो से जोर का झटका लगा है जिसने उनके तमाम फैंस को भी निराश किया था। वैसे शाहरुख खान की फ्लॉप फिल्मों का कांड शुरू हुआ है हैप्पी न्यू ईयर के साथ। जी हाँ, फराह खान के हैप्पी न्यू ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो खूब चली, लेकिन जो भी फिल्म देखने गया उसने लौटकर फिल्म को गालियां जरूर दी। उनके करियर की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, शाहरुख खान के करियर की आखिरी अच्छी फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस। हालांकि रोहित शेट्टी की इस फिल्म में शाहरुख को देखकर लोगों को आभास हो गया था कि आगे का रास्ता अब शाहरुख खान के लिए काफी मुश्किल है। उसके बाद मल्टी स्टार फिल्म दिलवाले, फैन, डियर जिंदगी, रईस, जब हैरी मेट सेजल और फिर जीरो, इन फिल्मों ने शाहरुख खान की फिल्मी करियर की नैया डुबो दी है। और तो और, जीरो में सलमान भी काम नहीं आए। शाहरुख खान की फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फिल्म ऐसी थी कि सलमान का कैमियो भी इसे डूबने से बचा नहीं पाया, जबकि शाहरुख और सलमान को एक साथ देखना दर्शकों का फेवरेट काम है, लेकिन पता नहीं उनके ग्रह नक्षत्र शायद काम ही नहीं कर रहे हैं। वैसे बीते साल तो शाहरुख खान, सलमान खान और तो और आमिर खान को भी जोर का झटका लगा है। हालांकि सलमान ने दबंग 3 और भारत की शूटिंग शुरू कर दी, वहीं आमिर खान ने भी ब्रेक लिया है, तो वहीं किंग खान भी ब्रेक पर चले गए हैं। अब देखना यही है कि उनकी कमबैक फिल्म कौन सी होगी और फिल्मी पर्दे पर उनका स्टारडम कब तक लौटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।